अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद की तरफ से। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा, तो इसको जो है हमने मतलब ये डिज़ाइन में करना है, बैनर टाइप कह लें, जैसे सोशल मीडिया के लिए होता है, ये एड्स वगैरह बनी हुई होती हैं, तो इसको जो है हमने इफेक्ट वगैरह देना है, ये साथ जो ये चीज़ें हैं इसको भी बनाना है, लोगो वगैरह सेटिंग करनी है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें साइज़ चाहिए होता है। साइज़ जो है हम इस तरह लगा लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो है उस तरह लगाएं, मतलब कि लंबी शेप में लगा लें, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में, सिर्फ वो जिस तरह भी हम लगाना चाहें उस तरह हम बना सकते हैं उसको। अब ये मिसाल दे दो, इस तरह अगर लगाना है तो उस तरह हो जाएगा। तो ये जो है हम इस तरह जो है साइज़ सेट कर लेते हैं, जैसे ये हमारा बना हुआ है। तो साइज़ जो है लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से लगा लेते हैं कॉन्टर। अब यहाँ पे देखिए, कोई साइज़ नहीं दिया मैंने, बस वो जो है आपको बता दिया कि इस शेप में हमने लगाना है तो वहाँ लगा देते हैं। अगर इसको एक्यूरेट करना है तो यहाँ पे हम 6 और 4 का लगा देते हैं, तो 6x4 का जो है हमारा डिज़ाइन हो गया। तो इस पे क्या करते हैं, फिल वक्त जो है ये कलर लगा देते हैं, और जो डार्क है हमारा इसको ले आते हैं यहाँ पे, और ये टैक्स वगैरह मतलब ये हो गया, इसका मतलब इमेज वगैरह हो गई, और ये टैक्स हो गया। तो इसको जो हमने इसमें अब सेट करना है, कैसे आपने जो है इसको इफेक्ट देना है। सबसे पहले जो है आपने इमेज को ले आना है सेंटर में, ये जो है आपने ऐसे करके इसको यहाँ पे सेट कर देना है। F10 करेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रहा है ये आपने यहाँ से क्रॉप कर देना है, ये पॉइंट थोड़ा सा बचा लेना है। और ये ऐसे, और ये जो है इस तरह हो जाएगा। थोड़ा इसको जो है हम नीचे ले आएंगे। अब क्या करना है, हमने ये जैसे है इसको भी शिफ्ट अप ऊपर कर लेते हैं, इसको भी यहाँ ले आते हैं शिफ्ट अप ऊपर कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे ले आते हैं शिफ्ट अप ऊपर कर लेते हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा हमारे पास। जी ये है जी लोगो है, तो लोगो जो है हम यहाँ पे ही सेंटर में ही लगा देते हैं इस तरह से करके। ये टैक्स वगैरह है इसको भी यहाँ ही ले आते हैं, यहाँ से कोई सिंपली जो है फाउंड ये सिलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। तो अब हमने करना क्या है, इसको जो है ज़रा कलर हमने सेट करना है। पहले सबसे पहले जो है हमने जो है जी प्रेस करना है कीबोर्ड से, और इसको इस तरह से ले जाना है यहाँ से, जैसे जी हम प्रेस करते हैं डबल कलर करने के लिए, तो ये दरमियान में ग्लो हमने लगा देना है, और उधर हम लगाएंगे ये लाइट कलर। ये इस तरह से जो है वहाँ पर लाइट कलर हो जाएगा सेंटर में, और साइडों से जो है ऑरेंज हमारा आ जाएगा, तो ये इस तरह से आपने लगा देना है। अब जो है हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है आपने लगाना है, क्या कहते हैं ये, इसको पहले तो कॉपी कर लें, आपको गिलास को बाहर ले आएँ और इसकी दो कॉपियाँ बना लें गिलास की। तो इसमें से एक का जो है हमने करनी है कटिंग, तो यहाँ पे हम लगाते हैं जी ये इस तरह से जो है आप बॉक्स लगाएंगे। बॉक्स लगाने के बाद कंट्रोल जो है क्यू करेंगे, आप कर्व करेंगे, F10 जो है शेप टूल ले लेना है आपने, और यहाँ से इसको ये कर्व कर लेना है सिलेक्ट, हल्की सी इसकी इस तरह से करेंगे गुलाई, और यहाँ पर ले आएंगे। तो ये जो है इस तरह से आपने कर लेना है। थोड़ा सा अगर इसको आपने थोड़ा सा वो करना है ज़्यादा, मतलब के थोड़ी सी गुलाई हम ज़्यादा सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, आपने यहाँ से क्या करना है इसको कि एक तो है इसकी कॉपी आपने नीचे भी ऐसे बनानी है, ये उसका कलर लगा लें आप जो है रेड लगा लें, इसको ले आए ऊपर। अब इसको ऊपर ले के आपने इसको करना है यहाँ से ट्रिम, तो आपका जो है ये देखिए कट जाएगा और ये इस तरह से रह जाएगा। अब क्या करना है, आपने इसको शिफ्ट डाउन करना है और इसकी जो है दो कॉपियाँ बना लेनी है। ये जैसे मैंने इसको जमा किया, दो कॉपियाँ बन गई, एक जो है आपने इसमें ऐसे पावर क्लिप कर देनी है, ऊपर हो गई, नीचे वाली जो है आपने इसमें पावर क्लिप कर देनी है, ये वो इसका जो एक्स्ट्रा आ रहा होगा उस वजह से ये इधर हो जाएगी। अब ये कभी कभार जो है इस तरह से भी मसला इसका हो जाता है, आप क्या करेंगे, क्या उसको ऊपर ले जाएंगे जहाँ पे हल्का सा वो पीछे एक्स नज़र आ रहा है, तो वहाँ से आप उसके ऊपर जो है एक सा जैसा रख देंगे, तो ये देखें सेम जो है वो हो जाता है, थोड़ा सा इस साइड पे होगा ये, अब इक्वल जो है हमारा वो हो गया। अब क्या करेंगे, आप F10 प्रेस करें और जो एक्स्ट्रा ऊपर से हमने लगाया ये क्रॉप कर दें, नीचे से जो हमने ये लगाया है इसको हम यहाँ से इस तरह क्रॉप कर देते हैं, इस चीज़ को हटा लेते हैं। अब हमारे पास जो है ये दो बन गए, आउटलाइन ख़त्म और बीच वाला भी ख़त्म हो गया, ये हम ले आते हैं यहाँ पर, शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा, तो ये देखें हम यहाँ पे ले आएंगे। अब हमने किया क्या है, ये कटिंग कर दी है इस तरह से, ये अलहदा अलहदा जो है हमारे पास ये मतलब कि वो बन गया, एक ऊपर की शेप हो गई है, एक नीचे की शेप हो गई है। तो अब क्या करेंगे, आप इस चीज़ को ले आएंगे यहाँ पे, इसको जो है आपने करना है सिलेक्ट, शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा ये,
इसको आपने ले आना है इसके अंदर, और ये इस तरह से खींच के थोड़ा सा आपने इसको करना है पूरा डाउन करेंगे, और ये इस तरह से डाउन पे चला जाएगा। थोड़ा सा इसको आप करेंगे इस तरह स्ट्रेच, और थोड़ा सा इस तरह से, तो ये जो है उसमें थोड़ा इस तरह से फिक्सअप हो जाएगा। थोड़ा और भी आप इसको नीचे ले जाएंगे तो आपका जो है ये नीचे चला जाएगा, और थोड़ा सा इसको हम लेते हैं ऊपर करके, जूम करके उठा ये, तो ये अभी गुलाई और यहाँ से देखें हल्का सा वो मिक्सअप हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी को हमने ले लेना है कॉपी करके बाहर, और उसको उसको वापस हालत में ले आते हैं जैसे ये था। तो ये जो है हमारा वापस आ गया। अब हमने करना क्या है, एक जो है इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है, और ऐसे यहाँ पे, यहाँ से आपने लेना है ड्रॉप शेडो, और इसको ड्रॉप शेडो लगाना है ऐसे करके हल्का सा जो है लाइट सा करके। यहाँ पे आप 5 कर लें बस, वो देखें हल्का सा अक्स अप नज़र आ रहा है। इसको जो है हमने ग्रुप कर लेना है, और ग्रुप करने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको ले आएंगे यहाँ पे, ये इस तरह से करके आप लगाएंगे इसके ऊपर, और अब इसको ले आएंगे इसके ऊपर, शिफ्ट अप करेंगे ये ऊपर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके छोटा करने की वो करेंगे, तो ये जो है इसके मतलब के दरमियान में आ जाएगा, कटिंग किया हुआ जैसे होता है, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब करना क्या, हमने थोड़ा सा इसको करना है नीचे, और यहाँ से इस तरह से घुमा देना है, तो ये इस तरह से जो है हमने घुमा देना है, तो ये जो है हल्का सा, ताकि यहाँ पे जो उसका कट का इफेक्ट है वो थोड़ा नज़र आए, ये इस तरह से, तो ये जो है हमारा जो उसका गिलास के अंदर का है ये इफेक्ट यहाँ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको ले आते हैं इधर, और शिफ्ट करके हम थोड़ा छोटा करते हैं, और यहाँ से इसका रुख कर देते हैं चेन, ये हम लगा लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है एक कॉपी हम लगा लेते हैं जी यहाँ पे, और थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, एक कॉपी जो है यहाँ पे लगा देंगे, और उसका जो रुख है हम डबल क्लिक करके हम ऐसे लगा देंगे, ये डबल क्लिक करके ऐसे थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे। अब हमारे पास है जी लीफ, इसको ले आते हैं जी यहाँ पे, ये हमारा जो है लीफ यहाँ पे लग गया। एक हम कॉपी बना लेते हैं इधर, और उसको जो है हम करेंगे ब्लर, ये अब बहुत ज़्यादा ब्लर था, इसको हल्का सा जो है हम करेंगे बस, ये हल्का सा जो है लाइट सा नज़र आए जैसे वो उड़ रहे होते हैं और उसका वो ब्लर होता है, तो उस तरह से हम करेंगे। और एक कॉपी बनाएंगे यहाँ पे, इसको जो है हम इस तरह कर देंगे और थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इसी की एक कॉपी जो है हम यहाँ ले जाते हैं, ये यहाँ पे आगे थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, और एक जो है ये वाली कॉपी हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये इस तरह से जो है ये आ जाएगा। अब हमारा जो टैक्स है इसको हम यहाँ से लेते हैं निकाल, साइड पे कर लेते हैं। अब हमारे पास है जी ये वाला ऑप्शन, इसको हम निकालते हैं बाहर, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं खाली। अब हमारे पास जो है इफेक्ट जो नज़र आ रहा है इसके अंदर, इसको हम कर लेते हैं F10 करके क्रोप, ऐसे ये हमारा हो जाएगा क्रोप। अब आपने क्या करना है कि इसको करना है खींच के बड़ा, ये जो है ताकि इफेक्ट जो नज़र आ रहा है इसमें आ जाए। यहाँ से आप ये टूल लेंगे, और इस पर आपने चेक कर लेना है कि किस पे बेहतर आ रहा है, वैसे तो वो अपनी जगह पे ठीक था, लेकिन जो है थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि मिक्सअप हो जाए बैकग्राउंड के अंदर, देखें अब ये है तो बेहतर लेकिन वैसे नहीं आ रहा, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है उसकी निस्बत, तो इसको जो है हम थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे, और राइट क्लिक करके इसको कर देते हैं पावर क्लिक, ये यहाँ पर, तो ये जो है पीछे हमारा वो पावर क्लिक हो गया। तो अब ये काउंटर हमारा लगा हुआ है, ये हम यहीं पर रहने देते हैं, और इसको जो है टिपिकल, और ये जो है ये हम यहाँ ले आते हैं। अब इसका जो कलर है वो हम कर लेते हैं जी ग्रीन, यहाँ से आप ग्रीन कलर लगाएंगे डबल क्लिक करके, और 60 ओके कर देंगे। उसके बाद जी प्रेस करके इसके ऊपर आप लाइट और डार्क डबल जो है ये कलर लगा देंगे, फ्रॉम और ये और नेचुरल, और ये जो है इसको यहाँ पे हम ले आते हैं, और यहाँ से टाइटल केस कर लेते हैं डबल क्लिक करेंगे, ये रोटेट ऑप्शन आता है, इसको हल्का सा हम ऐसे उठा देते हैं, और यहाँ से कर लेते हैं वाइट, शिफ्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, और सेंटर, ये सेंटर हो गया टोटल, ये ऐसे कर लें। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो है ये हम कर देते हैं ख़त्म, तो ये देखें कि आपका जो है इस तरह से ये रेडी हो गया। अब इसमें से करना क्या है हमने, कि इसमें जो है कुछ मतलब जो हमने चीज़ें वगैरह लगाई हैं वो अब हमने देखनी है कि वाल पेपर के हिसाब से कहीं छोटी लगानी होती है तो कहीं बड़ी लगानी होती हैं, तो ये देखें कोई जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है एक आधा पीस जो है हम यहाँ पर लगा देंगे इसके साथ, तो ये जो है इसकी सिर्फ अलाइनमेंट हमने सेट करनी होती है, बाकी जो है ऑलमोस्ट हमारा जैसे है कि वो सही है, और इसको हम थोड़ा सा इस तरह ले आते हैं।
इसको भी थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं कि ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये जो है आप इस तरह से जो है मतलब कि आसानी के साथ कोई भी प्रोडक्ट चीज़ है तो आप उसको जो है तो आसानी के साथ जो है आप इस तरह से कर सकते हैं, कुछ भी बनाना हो। अब ये जो है हमने नेट से इजीली जो है वो लिया है तो वहाँ से हमने इसको उठा के सेट कर लिया। तो इसमें जो है एक जो है आपने इस तरह से मतलब कि बना के दे देना है कस्टमर को जिसको भी। तो उसके बाद जो है हम इसमें से थोड़ा सा और चेंजिंग देख लेते हैं जो हमने इसमें पीछे ये लगाया है, ये हम यहाँ से कर देते हैं ख़त्म, ये ख़त्म कर देते हैं। अब जो है इसके नीचे हम इसकी करते हैं कॉपी इस तरह से फ्लिप करके, और इसको बॉक्स में से हम लेते हैं निकाल, ये ऐसे करके लगा देना है। और साथ करके यहाँ से आपने क्या लेना है, यही टूल लेके इसको जो है आपने इस तरह से लाइट कर देना है कि वो ऐसे लगे कि जैसे ग्लास के ऊपर ठहरा हुआ है। तो ये जो है इस तरह से आपने एक लगा लेना है। उसके बाद जो हमारा ये टैक्स है ये यहाँ पे भी रहेगा, और इसको जो है हम ले आएंगे यहाँ पे फिलहाल, इसको जो है हम यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, और इसको जो है हम कर लेते हैं ऐसे बड़ा। और अब क्या करेंगे, टोटल को पकड़ के शिफ्ट जो है अप करेंगे, तो ये जो है इस तरह से हो जाएगा आपका टैक्स पीछे बैक पे चला जाएगा, और हमारा जो है ये इस तरह से मतलब के नजर आएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने लेना है ड्रॉप शेडो, और इसको जो है यहाँ से मतलब के सेंटर से लगाना है। अब सेंटर के ऊपर तो चीज़ें आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं से आपने उसको क्लिक करके जो है यहाँ से ऐसे लगाना है। और लाइट करेंगे आप यहाँ से 5 करें, और ये इतना मेरे ख्याल से आसपास ठीक है। अब ये ऐसे हो जाएगा। तो कलर जो है अगर ब्लैक की जगह पे हम थोड़ा डार्क ये वाला भी कर लें तो अच्छा लगता है, लेकिन जो है हम ब्लैक ही करते हैं ताकि वो हल्का सा नज़र आए, और थोड़ा इसको मज़ीद और हल्का कर देते हैं ऐसे। तो ये जो है बैक पे चला जाएगा ऐसे करके, क्योंकि ये जैसे भी नज़र आ रहा है ये डिज़ाइन ही होता है। तो उसके बाद जो हमारा ये मतलब कि है, आप छोटा सा लोगो यहाँ पे लगा दें इस तरह करके, ताकि वो जैसे भी लगा हुआ होता है ये यहाँ पे लग जाएगा। और ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन है इसको हम बड़ा करते हैं और यहाँ ले आते हैं, शिफ्ट अप कर लेते हैं फिलहाल, और यहाँ से जो है इसको 0 करके 0 सीधा हो जाएगा, इंटर नीचे और ये इंटर नीचे। अब जो है इसकी हमने जो सेटिंग करनी है वो क्या करना है, कंट्रोल के करेंगे आप, अनग्रुप हो जाएगा, हार्ट ऑफ, ऑफ का ओ छोटा कर देते हैं, हार्ट को हम कर लेते हैं बड़ा सिलेक्ट करके, ठीक है। नेचुरल जो है ये हम ले आते हैं यहाँ पे, और इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन। यहाँ से आपने जो है इसका मतलब कि थोड़ा फाउंड इस तरह से देखना है तो थोड़ा खूबसूरत सा हो, क्योंकि सिंपली जो है हर चीज़ वो भी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा उसमें जो है वो देना पड़ता है। फ्रॉम और दा ये भी छोटा कर देते हैं, और इस तरह से आ जाएगा, थोड़ा इसको हम करेंगे छोटा, और ये हम लगा देंगे यहाँ पे इस जगह पे। अब क्या करना है आपने कि यहाँ से जो है ये लेना है ड्रॉप शेडो, और इसको हल्का सा वैसे आपने ड्रॉप शेडो लगा देना है, थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे, ये हल्का सा जो है ड्रॉप शेडो लग जाएगा। तो एक जो है इस तरह से दे देना। अब यही जो हमने लगाया है यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी दे सकते हैं। तो एक जो है इस तरह से मतलब कि ऑप्शन जैसे देना होता है। अब ये देखें, ये थोड़ा लाइट है मतलब कि डार्क है तो सही नज़र नहीं आ रहा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये येलो कलर लगाते हैं, और यहाँ से जो है इसको हम इस तरह से मिक्सअप कर लेते हैं, और शिफ्ट अप करके ऊपर कर लेते हैं, ये जो है हमारा मिक्सअप हो जाएगा। अब यही कलर ये लगा देंगे तो फिर भी थोड़ा है, सिर्फ वो प्रोमिनेंट करने के लिए, उस चीज़ को करने के बनाने के लिए है। दोस्तों आज जो है क्या कहते हैं, दो ही ऑप्शन थे इसके ऊपर, तो मैंने कहा इसके ऊपर भी जो है वीडियोज़ वगैरह बना ली जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।